राजस्थान से उज्जैन कैसा लगा ये? बाबा माँ काल के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान से उज्जैन कैसा लगा ये? बहुत अच्छी रही दृश्य आपने देखा, और अभी अंदर भी जाएंगे और भी जितना हो सकता उतना कवर करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपको एक नंबर गेट से आपको लेना है टिकट, जो कि 250 रुपये की टिकट कटेगी। सर ये कितने की टिकट मिली? 250 की टिकट मिली है यहाँ पे। और ये एक नंबर गेट बोलते हैं आपको, ये एक नंबर गेट से आप एंट्री लेंगे। मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे अभी दिखाऊंगा आपको। यहाँ से आपको ले लेना है टिकट और चलो चलते हैं इसके इंटर में। ये है इसका प्रवेश द्वार, जैसा कि देख सकते हैं दर्शन यहाँ पे। ये इसका एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आपको ये टिकट चेक होगा। यहाँ पे आपको करवाने हैं टिकट चेक, क्योंकि ये वीआईपी गेट की एंट्री जो कि लगते हैं यहाँ पे 250 रुपये। और ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे कुछ चार्जेस भी लिखे हुए हैं, इन चार्जेस को भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सामान्य पूजा और ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभिषेक शिव या पढ़ सकते हैं, जिसमें आप देख करके आप पूजा करा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये वीआईपी गेट की एंट्री है जो कि मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। तो ये है एंट्री गेट, जैसा कि आप मैं आपको सारा एंट्री गेट यहाँ पे देख, ये है आपका एंट्री गेट जो कि वीआईपी यहाँ पे चेक पास होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ये आपका एंट्री गेट, एंट्री पॉइंट, ये आप देख सकते हैं। ये है आपकी महाकाल का दर्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये हमने एंट्री कर ली है वीआईपी। नॉर्मल भी एंट्री आपको दिखाया था पहले, और ये एक वीआईपी एंट्री भी आपको हमने दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे मंदिर के अंदर का। तो ये एक चेकआउट और एक फाइनली गेट और है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सिख मार्गदर्शन 250 रुपये। तो एक गेट और है यहाँ पे। जैसे आप क्लास आएंगे उसके बाद आपको ट्रेन है, क्योंकि आपको यहाँ पे वीआईपी पास हो जाता है, 250 रुपये का टिकट कटता है वीआईपी गेट से। जैसा कि मैंने दिखाया आपको पैदल था, वहाँ पे कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। वीआईपी गेट Yeah।
ये रहा एग्जिट हमारा, तो कैसा रहा ये, आपको कैसा लगा? आइए कभी दर्शन कीजिए बाबा काल भैरव। ओके, ये एग्जिट गेट है गाइस। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हमने महाकाल के दर्शन किए, अब हम जाने वाले हैं उज्जैन के दर्शन में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शहर के बाहर, तो हमने उज्जैन के शहर के अंदर के देख लिए, अब हम देखेंगे शहर के बाहर। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़ काली मंदिर, फिर दूसरा लिखा हुआ है काल भैरव मंदिर श्री, तीसरा लिखा हुआ श्री सिद्धवट मंदिर, चौथा लिखा हुआ है जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मंगलनाथ मंदिर, फिर लिखा हुआ है संदीपनी आश्रम, फिर यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे श्री गुरु संदीपनी रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट में तो देखेंगे टाइम मिला तो, बाकी यहाँ पे हम ये कवर करने वाले हैं आपको। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो गाइस ये है हमारी गढ़ कालिका मंदिर, जो कि मैं अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। तो ये है गढ़ कालिका मंदिर, फर्स्ट का मंदिर है, जो कि पहला इवेंट में आपको मैं दिखा दूँ। ये गढ़ कालिका मंदिर, ऐसा ये व्यू है। खट्टा मीठा, तो क्या बनाने वाले हैं आप? हम बनाने वाले हैं सोडा, सोडा शरबत वाला। तो क्या क्या डाल रहे हैं बताइए? इसमें नींबू डाला है। ओके ओके, इसमें सोडा तैयार होगा। ओके, ये पानी है, ये बॉटल के अंदर भरा जाएगा, सोडा तैयार। यहाँ पे दर्शकों का क्या रहता है, मतलब कैसा अनुभव रहता है, यहाँ की मान्यता क्या है वैसे? ये शक्तिपीठ मानते हैं। शक्तिपीठ है, फास्ट भी नहीं एकदम, है ना? यो देखना नहीं उसको, देखना नहीं, ढूंढना दो। कैसा रहा? तो ये आ गए हम काल भैरव, तो ये सेकंड है, हम यहाँ पे काल भैरव यहाँ पे आ गए। अब चलिए इसके इंटर में आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें। ये पार्किंग है और यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो ये काल भैरव का है और ये देख सकते हैं। तो देखिए ये हुआ कंप्लीट प्रसाद, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कम्प्लीट प्रसाद हो गया। ये भैरवनाथ का है यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। चलिए अंदर अभी चल के दिखाते हैं आपको। तो ये है काल भैरव जी का मंदिर, अभी यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर देखते हैं। यहाँ देखिए प्रसाद में कोई प्रसाद, ये प्रसाद है जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये भी प्रसाद है, और ये भी प्रसाद ही है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हेलो, तो जैसा कि देख रहे हैं अभी एंटर करेंगे हम यहाँ पे, और सारा कुछ अभी आपको दिखाने वाले हैं। काल भैरव का मंदिर है, यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है जैसा कि मैं आप सभी में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, सकते हो, ये भी रात के समय आपको दिखाई देगा बहुत ही अच्छा, यहाँ पे जब दीप जलती है तो सारी दीप जलाई जाती है यहाँ पे, बट अभी नहीं जल रही है। ये देखो सर, यहाँ पे सारी दीप जलती है। काल भैरव का मंदिर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, आई होप कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक बार आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पे देखा आपने सारा कुछ, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार जरूर आप भी आइए यहाँ पे, काल भैरव का मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे मैंने दिखाया स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश की है। वैसे बने रहे, आगे और भी आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो भैया कहाँ से आए आप? हम सूरत से भैया। सूरत से, तो यहाँ पे काल भैरव का मंदिर कैसा लगा यहाँ पे आपको घूम के? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, देखने जैसा है, आप भी आओ कभी देखने। दर्शन करने जो मान्यता है यहाँ पे, तो जो आस्था थी दिल में वो पूरी होती लग जा रही? हाँ, हो जाती है। तो सूरत से इतनी दूर, इससे पहले आए थे आप?
नहीं नहीं ये पहली बार है। तो अच्छा पहली बार अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, आप भी आ सकते हो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। फाइनली ये एग्जिट है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जिट है। तो मैं आया हूँ अब एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ का जो खाना है मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे शाही लड्डू वफरा थाली, थाली 180 रुपए प्रति व्यक्ति। अच्छा जो भैया, अच्छा थोड़ा सा बताइए कहाँ पे एड्रेस बताइए अपना। शांति आश्रम के बगल में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। थाली की जो प्राइस अभी 180 रुपए है, वो भरपेट है या फिर लिमिटेड है? सारी चीजें अनलिमिटेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आप एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पे, मैं भैया का रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ आपको। ये भैया का रेस्टोरेंट है और इसमें आप देख सकते हैं, मेनू देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है 180 थी में। तो ये भैया एनी टाइम, ये कब से कब तक रहेगा, टाइमिंग क्या भैया इसकी? 10 से 10 टाइमिंग रहती है यहाँ पे। तो ओवरऑल मैंने अभी खाना खाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, टेस्ट मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा यहाँ का एक रिव्यू दूँ मैं यहाँ पे। तो जो भी देख रहा है, जो भी यहाँ पे विजिट कर रहा है, एक बार ज़रूर यहाँ पे आए। मैं भैया का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं विद्यास्थली आश्रम, महर्षि संदीपनी आश्रम, आप ये देख सकते हो आप। चलिए यहाँ पे कुछ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ कवर करते हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे उतरेंगे महाकालेश्वर उज्जैन के लिए, स्टेशन पास में ही है जैसा स्टेशन आप देख सकते हैं। एक भैया हमारे साथ और यही हमको अभी ट्रेवल करा के लाए हैं, सारा कुछ हमने इंदौर से अभी जब उज्जैन घूम कर के लाए। अच्छा नाम बताइए भैया, कहाँ अभी आप कहाँ रहते हो प्रॉपरली? आपका नाम क्या है? शाहरुख। शाहरुख जी, आप ये बताइए यहाँ पे जब हमने आपको पूरा दिन ट्रेवल किया है यहाँ पे, अगर आप पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपको कोई संपर्क करें। एक सेकंड फिर से रिपीट करिए। 9870605। अच्छा मैंने आपसे एक चीज़ पूछा था कि अपन कार क्यों नहीं ले सकते, क्या रीज़न था कार का? सर मतलब गाड़ी अंदर तक जा नहीं पाती है, आप पैदल ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा अगर कार की। आपने कहाँ कहाँ हमें कवर किया, कहाँ कहाँ आपने घुमाया हमें? महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर के बाद शांतिपनी आश्रम, काल भैरव, मंगलनाथ, गढ़ कालिका का मंदिर, पांच मंदिर बाहर के, जो शहर के बाहर के थे, और बाकी ठीक है। अगर आपसे मेरे चैनल के थ्रू अगर कोई भी एक फ़ोन आता है, उनको कॉल करता है, अगर आपको कोई स्मार्ट टेलीकॉम बताता है, तो आप उन्हें और भी स्पेशल ऑफर की तरह उनको घुमाओगे? जो भी स्मार्ट टेलीकॉम हमारे चैनल का नाम है जैसा आप जानते हो, तो क्या उनको दोगे हमारे सब्सक्राइबर? अगर आपके थ्रू अगर कोई आता है तो बिल्कुल मतलब हमारे मेहमान रहेंगे, जो भी वो बोलेंगे मतलब उनको हमारे वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो होटल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो खाने का हो, भैया सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा नहीं कि मैंने टेम्पो लिया था, मैंने यहाँ पे हायर करने के लिए कार भी किया था, बट कार के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रिपेयर किया कि आपको बहुत घूमना पड़ेगा, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया भैया के साथ। और आप भी एक बार विजिट करें और उज्जैन आए, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी लास्ट वीडियो मैं अभी ट्रेन का भी व्यू दिखाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और जो अभी तक आपने देखा वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो हेलो गाइस, जिस होटल में मैं उज्जैन पे आया हूँ और जिस उज्जैन होटल में मैं रुका हुआ हूँ, आप होटल देख सकते हैं चंद्रा गुप्ता, यहाँ पे होटल का नाम है। और यहाँ पे भैया भी है हमारे साथ, इनसे भी हम थोड़ी बातें करेंगे। तो ये मैंने होटल विजिट किया हुआ है, मैं अभी होटल का रूम भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे मैं पहले आपको एंट्रेंस भी दिखा देता हूँ, सारा कुछ आप यहाँ पे एंट्रेंस देख सकते हैं सारा कुछ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी विजिट करके भी दिखाऊंगा, अंदर जाके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो जो ये सर्विस है भैया, यहाँ पे खाने का और रहने का सब कुछ है भैया,
यहाँ पे खाने और रहने का सब कुछ है। हाँ, लॉजिंग बोर्डिंग दोनों है, खाने का। और इन आउट का टाइम थोड़ा सा बता दीजिए, जो स्पेशल है आपके यहाँ का इन आउट का टाइम। 24 घंटे का टाइम। तो मैं अभी वीडियो में कवर करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि मैंने काफी सारे होटल को सर्च किया और भैया के होटल में मैंने आया वहाँ पे और देखा कि हर जगह बहुत कुछ खास तो नहीं था। फिर मैंने इनका रूम भी देखा और इनकी फैसिलिटी भी देखी। आप यहाँ पे जरूर एक बार विजिट करिए और मुझे जरूर बताइएगा भैया से एक बार। स्मार्ट टेलीकॉम, अगर कोई स्मार्ट टेलीकॉम आपको बताता है चैनल का नाम, तो उनको रेफरेंस जरूर दीजिएगा मेरा, और भैया के साथ जरूर एक बार विजिट करिए। मैं भी रूम भी आपको दिखाऊंगा, तो चलिए ऐसे बने रहे, मैं पूरी जर्नी आपको यहाँ पे उज्जैन का दिखाने वाला हूँ। आगे कंट्रोल करोगे यहाँ पे आपको लिफ्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगी, सारी चीजें। मैंने यहाँ पे लिफ्ट से फ्लाई किया हुआ है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ ये रूम है। रूम के अंदर आपको मैं चेकआउट करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ये रूम, जो कि ये जो रूम है मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा और सूटेबल एसी रूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। जो प्राइसिंग है बहुत ही बेस्ट प्राइस है, जो कि मैं यहाँ पे इस रूम पे विजिट करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ फैसिलिटी, हर एक बाथरूम की क्लीनिंग, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं अगर आप उज्जैन आ रहे हैं। मैं तो टेक्निकल से वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसा कि आप देखते हो हमारे चैनल में टेक ये जो चैनल है टेक चैनल है, और मैं यहाँ पे विजिट करने आया था, घूमने आया था, और मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज़। और ये जो रूम है, मिरर्स हैं, टीवी है, और ये सारा कुछ कवर है, छोटा छोटा है। मैंने अभी रिव्यू भी लिया, और वीडियो आगे चल के अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा आपको, और ये मैंने आपको जो बनाया है, जो आपको मैंने दिखाया है, ये उज्जैन महाकालेश्वर का ये मैं रिटर्निंग का है, जो कई गाड़ी आप देख सकते हो सारा कुछ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा ये वीडियो। और जो मैंने अभी तक आपको दिखाया, हर एक स्टेप बाय स्टेप दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ हाइड नहीं की, हर एक चीज़ सब कुछ दिखाया आपने। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और एक बार जरूर विजिट करिए, हर एक चीज़ मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। Thank you.